तो दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने जो है अपना आईटीआई कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और आपका रिजल्ट भी आ गया है, उसके बाद कि आप अगर कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, कहीं से भी आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल में जाकर के अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अपना प्रोफाइल को 100% कम्प्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसका नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो मैं बता दूंगा कि उसका 100% कैसे कम्प्लीट करना है पूरा फाइल को, तो आप लोग पूरा वीडियो बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ पोर्टल का, और नहीं तो आप लोग जो है अपना गूगल में या तो क्रोम ब्राउजर में आकर के आप जो है अप्रेंटिसशिप सर्च कीजिएगा, तो आपके सामने देखिए इस प्रकार से यानी कि पहला वेबसाइट आएगा जिसमें लिखा रहेगा apprenticeshipindia.gov.in, ठीक है। आपको सिंपली पहला यहाँ पे जो आएगा अप्रेंटिसशिप लिखा हुआ उस प्रकार से इसमें क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपके सामने देखिए ये वाला ओके का ऑप्शन आएगा, आपको जो यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। और नहीं तो आप लोग जो है लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में उसमें क्लिक कीजिए, आप लोग जो डायरेक्ट जो है इस पेज में आ जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लॉगिन या रजिस्टर का है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, यहाँ पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा, कैंडिडेट में आप लोग क्लिक कर दीजिएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे सबसे पहले इस जगह पे क्लिक है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पिंक कलर में कि लॉगिन एज अ कैंडिडेट, जैसे कि हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया है तो हम लोग पहले से लॉगिन कर लिए, तो उनके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, उनको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल करके अपना यहाँ पे उसके बाद जो है कैप्चा डाल करके उनको जो है लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो है आप अपना न्यू कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं और नहीं तो आप जो है अपना 10th से भर रहे हैं फॉर्म, ठीक है, तो आप लोग जो है इस पर क्लिक कीजिए रजिस्टर एज अ कैंडिडेट में। यहाँ पे आप लोग देखिए इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देखिए ऑप्शन खोल करके आएगा आईटीआई स्टूडेंट का, और यहाँ पे देखिए नीचे क्या है, इंटर योर मोबाइल नंबर, उसके बाद इंटर योर ईमेल आईडी, उसके बाद नीचे देख सकते हैं आप लोग जो ये कैप्चा आएगा, वहाँ पे कैप्चा डालना है, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ जरूरी जानकारी बताता हूँ, आपको जो है ध्यान से सुनना है। तो देखिएगा जी, आप अगर आईटीआई स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डालने का आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड डिटेल्स का आएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत लोगों के एनसीबीटी रजिस्ट्रेशन यानी कि इनवैलिड बताता है, ठीक है। और एक बात का ध्यान यहाँ पर भी ये भी रखना है कि अगर आपने पहले से कभी भी अगर रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है, इनवैलिड बताएगा बार बार, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इतना यानी कि झंझट नहीं करना, आपको यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट यानी कि जो 10th किए हैं, ठीक है, जो 10th यानी कि पास किए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये यानी कि सभी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये 10th पास के लिए भी एलिजिबल है, आईटीआई पास के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है। तो इसमें आपको यानी कि डरना नहीं है, सिंपली आपको यहाँ पे देखिए इंटरव्यू मोबाइल नंबर करना है, यानी कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर वही डालिएगा जिसमें ओटीपी जाएगा, और यहाँ पे ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपका यानी कि एक्टिव रहेगा, जिसमें यानी कि ओटीपी जाएगा, ठीक है, और मैसेज जाएगा एक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि गाइस देखिए हम लोगों ने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया, हम लोगों को पता है कि हाँ कैसे कैसे सारा कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ यानी कि आपको प्रॉपरली अच्छा से जो एक्टिवेट मोबाइल नंबर रहेगा, जो आपका ईमेल आईडी एक्टिवेट रहेगा, वही आपको यहाँ पे डायल करना है, ठीक है। और फ्यूचर में भी उसको अच्छा से सेव करके रखना है उस मोबाइल नंबर को और उस ईमेल आईडी को, ठीक है, भूलना नहीं है, नहीं तो आपका जो है दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये आपका जो है अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल से लिंक होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए, उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला कैप्चा आपको इस जगह पे डालना है, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे बड़ा आर है, फिर छोटा टी है, छोटा जी है, बड़ा भी, बड़ा डी और छ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कैप्चा पर क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस जैसे आप लोग जो ये कैप्चा यहाँ पे डायल कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा वेरीफाई पर, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे कैप्चा वेरीफाइड सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको रजिस्टर पर यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। गाइस जैसे आप लोग जो है रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने देखिए यहाँ पे ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, ठीक है, और यहाँ पे आपको ओटीपी डाल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे देखिए रजिस्टर सक्सेसफुली करके आएगा और यहाँ पे लिखेगा कि प्लीज चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन, यानी कि आपका ईमेल में एक ईमेल भेजा गया, ठीक है, जिसमें यानी कि क्लिक करना आपको एक्टिवेट पर, उसके बाद आपका जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लीज नोट दिस अप्रेंटिसशिप कोड, यानी कि यहाँ पे ये आपका कोड आएगा और ये कोड को आपको जो है नोट करके रख लेना, तो फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लिखा गया है, द एक्टिवेशन लिंक विल एक्सपायर ऑन बिलो मेंशन डेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि इतना तारीख को इतना बजे आपका जो है एक्टिवेशन लिंक जो है ये वाला यानी कि एक्सपायर हो जाएगा, अगर आप लोग जो है ईमेल में अपना जाकर के एक्टिवेट नहीं कीजिएगा तो।
तो आपको एक्टिवेट करने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे ओके का जो यहाँ पे है इसको आपको ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद अपना ईमेल पर चले जाए, तो जैसे दोस्तों आप लोग अपना ईमेल में आइएगा, आपके सामने देखिए ये ईमेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा डियर, यानी कि आपका नाम लिखा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका योर रजिस्ट्रेशन नंबर ही जितना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा प्लीज नोट दिस नंबर फॉर ऑल कम्युनिकेशन, यानी कि ये नंबर जो है आपको नोट करके रखना है, हमेशा के लिए सेव करके रखना है, और इसी से सारा कुछ यानी कि आपका जो है आगे काम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट, आप लोग जो है सिंपल यहाँ पे एक्टिवेट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है रिडायरेक्ट कर देगा क्रोम ब्राउजर में या तो गूगल में, जो आप लोग वेबसाइट यूज कीजिएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद आपके सामने वहाँ पे लिखा आएगा कि यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुल्ली करके आएगा, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको जो पीछे दिखाया हूँ कि वहाँ पे लिखा आएगा कि डियर, जैसे मेरा नाम था डियर सुनील पंडित करके, तो वहाँ पे आपका जो है डियर यूजर लिखा भी आ सकता है, ठीक है। अब यानी कि अपडेट कर दिया गया, मैं पहले का दिखा रहा था जब मैं यानी कि किया था, ठीक है। तो अब डियर यूजर करके आपका आएगा और आपका अप्रेंटिसशिप कोड लिखा रहेगा, आप लोग जैसे एक्टिवेट पर क्लिक कीजिएगा आपको जो है इस यहाँ पे पोर्टल में यानी कि रिडायरेक्ट कर देगा और आपको लिखेगा यहाँ पर इस जगह पे यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली हरा कलर से, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आना है, उसके बाद देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे लॉगिन एज ए कैंडिडेट में पहले से सेलेक्ट रहेगा, यहीं पे रहने देना है। और आपने अभी जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो ईमेल आईडी दिया है इसको, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे जो है इंटर करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, ठीक है। ये कैप्चा कहाँ पर डालना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आपको जो है सिंपल यानी कि आगे का यानी कि ऑप्शन बढ़ जाना है, आपका पोर्टल खुल जाएगा पूरा। उसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई टोटल 100% प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है A to Z एकदम एक बेसिक तरीका से, ठीक है। क्योंकि मैं अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया हूं, आप लोग जो है मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगर कोई तरह का अगर आपका डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।